नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल शॉपिंग गुरुजी पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। यानी कि दोस्तों हम जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं उसके बारे में कोई भी डिटेल होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, वो आप तक बिल्कुल सही पहुंचाई जाती है ताकि आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए। दोस्तों आज हम एक ऐसा ही प्रोडक्ट लेके आते हैं जो कि है पापड़, जिसे क्या है कि हम घर के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या है कि उसको रोस्ट करके या फिर दोस्तों उसको फ्राई करके भी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों उनकी सब्जी भी बना करके है कि हम उसकी खाते हैं। तो दोस्तों आज हम उन्हीं पापड़ के क्या है कि अलग अलग ब्रांड के पापड़ लेके आए। उसके साथ साथ दोस्तों आज हम इनका रिव्यू तो करेंगे, साथ साथ दोस्तों इनको रोस्ट भी करेंगे। उसके बाद दोस्तों रोस्ट करके उनको खाकर टेस्ट भी करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे कि किसका टेस्ट जो है लाजवाब है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से चलते हैं उन पापड़ की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आपके सामने देख पा रहे हैं, ये रहे वो अलग अलग ब्रांड के पापड़। तो दोस्तों सबसे पहले भिकाजी की अगर बात करें पापड़ की, आसपास पापड़ की, तो दोस्तों पैकेट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों जो बैक साइड से पैकेट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें इसके पैकेट के अंदर कितना आपको क्वांटिटी मिलती है, 400 ग्राम इसके अंदर आपको पापड़ मिल जाते हैं और वो भी प्राइस की अगर बात करें 104 रुपए के अंदर आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पैकिंग की अगर बात करें तो पैकिंग काफी ज्यादा शानदार इसकी लग रही है और पापड़ का साइज भी काफी बड़ा लग रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर क्या है कि जिप लॉक भी दिया गया, जिससे क्या है कि आप जितने पापड़ यूज करना चाहते हैं उतने यूज कीजिए। उसके बाद क्या है कि जिप से इसको बंद करके, पैकेट को बंद करके आप रख सकते हैं और बाद में कभी आपको यूज करना हो तो इन पापड़ को क्या है कि अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों बात करें कानो पापड़ की, तो दोस्तों ये पैकेट कुछ आपको इस तरह से दिखाई देता है जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। दोस्तों इसके साथ भी दोस्तों ये है जिप लॉक मिल जाता है आपको। और पैकिंग की बात करें तो पैकिंग आपको भी दिखाई दे रही होगी, काफी ज्यादा शानदार पैकिंग आपको दिखाई दे रही है। और ये जो है ये पंजाबी जो है टेस्ट देता है। उसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि इसके जो पैकेट की बैक साइड की अगर बात करें तो बैक साइड आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है। 200 ग्राम पापड़ आपको 60 रुपए के अंदर जो है मिल जाते हैं। और वहीं दोस्तों बात करें लिज्जत पापड़ की, तो दोस्तों ये देखिए पैकिंग आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और बैक साइड से अगर बात करें तो बैक साइड से पैकिंग आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और वहीं दोस्तों इसके प्राइस की अगर बात करें और कितना ग्राम इसके अंदर मिलता है, 200 ग्राम का ये पैक आपको मिल जाता है और ये जो है आपको 72 रुपीज के अंदर, यानी दोस्तों 72 रुपए के अंदर आपको ये पैक मिल जाता है। चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से इन पापड़ को निकालते हैं पैकेट से बाहर, उसके बाद दोस्तों इनको पकाते हैं, उसके बाद इनको टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि टेस्ट में बेस्ट कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने क्या है कि तीनों पापड़ को क्या है कि टेस्ट कर लिया, बात करते हैं कि बेस्ट कौन सा है। तो दोस्तों बेस्ट की अगर बात करें तो दोस्तों बताना चाहूंगा जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये जो आप लिज्जत पापड़ और ये बिकाजी का आसपास पापड़ है ना, ये दोनों ही बेस्ट है। अगर आपको तेज मसाले वाला पापड़ पसंद है तो आप लिज्जत पापड़ खा सकते हैं, काफ़ी अच्छा मसाला है इसका और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आपको लगने वाला है और लाजवाब आपको टेस्ट इसका लगेगा। और वहीं दोस्तों अगर आपको नॉर्मल मसाले वाला पापड़ पसंद है तो दोस्तों आप बिकाजी का आसपास पापड़ खा सकते हैं, इसका मसाला एकदम नॉर्मल है और आप इसको खा सकते हैं। और वहीं दोस्तों बात करें बिकानो पापड़ की, तो ऐसा नहीं है अच्छा नहीं है, अच्छा टेस्ट है इसका भी, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, लेकिन दोस्तों ये उतना ज़्यादा टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा जितना कि बिकाजी और लिज्जत का है। बाकी दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, मेरा काम था आपको बताना, अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा पापड़ जो है खाना है और कौन सा नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम आपके सामने ना ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं हमको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।